हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कि वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं उसके कंपोनेंट फॉर्म में। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर, राइट। तो बच्चों यूनिट वेक्टर जो है आपके स्पेसिफाइड है आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपके स्पेसिफाइड है आई कैप, जे कैप और के कैप। यूनिट वेक्टर आपका सोली रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्शन को, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होता है बेटी। इसकी कोई भी डायमेंशन आपकी नहीं होती, ये दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में ही गिवन होता है बेटा। तो अब हम स्पेसिफाई करेंगे, जैसे हमारे पास राइट हैंडल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, ठीक है। राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है बेटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे तीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है आपके। एक्स के अलोंग, अब देखो बच्चों एक्स के अलोंग हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई कैप को। वाई के अलोंग जे कैप को। जेड के अलोंग के कैप को। तो आई कैप एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। देखिए बच्चों आपका के कैप है, जेड एक्सिस है, ब्लैक बोर्ड तो प्लेनर है, इसके ऊपर हम दिखा नहीं सकते, तो हम इसको समझने के लिए ये ब्लैक बोर्ड से बाहर है, जेड एक्सिस आपकी, ठीक है, आउटसाइड द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इसको आप बोल रहे हो। तो ये आपके पास क्या है, के कैप, आई कैप और जे कैप। अब बच्चों मान लेते हैं कि कोई भी जो वेक्टर है आपका, वो आपका थ्री डायमेंशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वेक्टर है, और वेक्टर को बच्चों हम क्या बोल देंगे, ए। वेक्टर को क्या बोल देंगे, ए। अब इस ए के कोऑर्डिनेट भी होंगे बेटे, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड। कितने कोऑर्डिनेट है इसके, एक्स वाई जेड। तो ए का कंपोनेंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स, राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट है बेटे, ए एक्स। और जब हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। दिमाग में ये बात बिठा लेना बेटे, इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। और यदि सिंगल ए एक्स है तो उसको बोलते हैं सिर्फ कंपोनेंट। सिमिलरली हमारे पास ये जो वेक्टर है आपका जे के अलोंग ए वाई, ए वाई क्या है बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट। और यदि हम वेक्टर की बात करेंगे, ए वाई जे कैप ये आपका वेक्टर कंपोनेंट है, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। और जेड के अलोंग बेटे, जेड के अलोंग आपके पास क्या आएगा, ए जेड के कैप, वेक्टर कंपोनेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि आप ए को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हो। तो बच्चों बहुत आसान है, ए को आप कैसे लिखोगे, ए को आप लिखोगे ए एक्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वेक्टर बन गया, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्लेन में हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्लेन में ऐड करने के बाद आप स्पेस में उसको आप इलाबोरेट कर सकते हो आराम से, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे यदि मान लेते हैं हम कोई वेक्टर आपका ये ए है, अब ये प्लेन में है, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स वाई। तो एक्स वाई है ये, तो यहाँ पे एंगल कितना है बच्चों, एंगल की जरूरत पड़ भी सकती है हमें, नहीं भी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप, और बच्चों यहाँ पे क्या है, ए वाई जे कैप। तो बेटा यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि ओरिजिन से यहाँ तक हम इसको यदि पोजिशन वैक्टर लिख लें ओ पी, ओपी किसके बराबर है बच्चों, आपका ए के, और यहाँ पे आपका बी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर है आपका ये, और यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, तो ए वाई यहाँ पे लिख लें, जे कैप क्योंकि ये और ये साइड क्या है, पैरेलल है, तो हमारे पास ओपी इक्वल टू ए, ओपी इक्वल टू ए, ओबी
इक्वल टू कितना बच्चों ए एक्स आई कैप और बी पी कितना है बच्चों आपके पास ए वाई जे कैप। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने में क्या होगा हमारे पास है ओ पी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी पी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ये कितना बच्चों आपका ए। तो ए हमने टू डायमेंशन में ऐड करना सीखा। ठीक है बच्चों, अब इसी को ही हम आगे इलेबोरेट करेंगे। तो थ्री डायमेंशन में आपके पास क्या आएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट इन ए गिवन स्पेस। तो बच्चों हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी एससी वर्मा की, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो बच्चों मेरे अपने 17 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें करनी है। पहला स्टेप तो ये है कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एटलीस्ट 2 times पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। तो क्या करना, आपने फटाफट क्वेश्चन को 2 times आपने गो थ्रू होना है और उसका मतलब समझना है। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे आप, मैं आपको बता रहा हूँ 2 times दूसरी बार पढ़ते जब पढ़ोगे आप तो अल्टीमेटली दूसरी बार पढ़ने के साथ साथ दिमाग के अंदर डायग्राम भी बन जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायग्रामेटिकली जितने क्वेश्चंस को आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अल्टीमेटली उतने अच्छे रिजल्ट आपके पास आएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी दी हुई प्रॉब्लम को। तो बच्चों ए वेक्टर ए हमें दे रहा है कि एक वेक्टर ए है, कितना एंगल बनाता है 20 degree, मेक्स एन एंगल 20 degree। ए बनाता है बच्चों 20 degree और बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 degree विद द एक्स एक्सिस। राइट, तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ करो। राइट, और ये देखो आपका ये वेक्टर है, कितना एंगल बना है आपके पास ये 20 degree। राइट, और दूसरा बी है तो बी आपका 110 है तो यहाँ पे 90 आएगा, कहीं ये यहाँ पे आएगा बी वेक्टर आपका। और टोटल एंगल कितना बना है आपके पास ये 110 किसके साथ है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये जो वेक्टर हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है बेटे ए का कितना बेटे 3 और बी का कितना मैग्नीट्यूड 4। तो ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 4 दे रखा है। तो आप को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 2 methods है बेटे, दोनों मेथड ही मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड हमने सीखा था पैलियोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको मैं ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलता हूँ बेटे। ठीक है, और दूसरा मेथड मैंने आपको कौन सा बताया था, दूसरा मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और अभी मैंने आपको एक बार एक चीज और बताई थी कि हाउ वी कैन ऐड वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे और आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है 110 और ये कितना एंगल बना रहा है 20 degree। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा बेटे 110 में से 20 निकालेंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास है? बताना बेटे कितना बचेगा 110 में से ये निकालेंगे तो 90 बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 90 degree, कितना आएगा बच्चों हमारे पास 90 degree। तो हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो पैरेललोग्राम हमारे कंप्लीट हो गए बेटे। तो ये क्या देगा आपका रिजल्टेंट, तो बच्चों पैरेललोग्राम लगा लगा देंगे रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर फार्मूला प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होगा यहाँ पे बेटे 0। तो हमारे पास ए का स्क्वायर, ए के कितना आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना बच्चों 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 होगी, होल क्वांटिटी कितने की जरूरत नहीं है 9 प्लस 16 कितना का आपके पास ये 25 रूट के अंदर कितना का बच्चों ये 5 units, जो भी यूनिट दी होगी वो आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों आपकी सेकंड प्रॉब्लम है
एड वेक्टर ए बी एंड सी, तीन वेक्टर हमारे पास ए बी और सी, कितना मैग्नीट्यूड होगा 100 यूनिट, तीनों का मैग्नीट्यूड बच्चों 100 यूनिट गिवन है हमें। इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एंगल्स 45 पे, 135 पे और 315 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास वेक्टर ए, राइट, कितने डिग्री एंगल पे आपका ये 45 डिग्री, ठीक, एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 45 डिग्री, ठीक है। इसको आप ओरिजिन मान सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो, ए वेक्टर इंक्लाइंड है 45 पे, तो बच्चों बी कितने पे इंक्लाइंड है 135। तो आसानी आपको रहेगी यदि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रॉपर लिख लो, तो यहाँ पे आपके लिख दोगे वाई एक्सिस, ठीक है, कितने एंगल पे है वाई पे, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा बच्चों, ये बना रहा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल, हम मेजर करते हैं 135, और जो सी वेक्टर है बच्चों आपके पास वो कितना एंगल बना रहा है 315, तो 315 कहाँ लाई करेगा आपका बेटे इस क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास कितना आ गया 315 डिग्री, ठीक है। ए कितना एंगल बना रहा है 45, बी कितना बना रहा है 135, और सी कितना बना रहा है आपके पास, सी कितना बना रहा है बेटा आपके पास 315। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, साथ में हम यूज करेंगे क्वाड्रेंट को बेटे, तो क्वाड्रेंट कलेक्शन में ले चुका हूँ, यदि आप नहीं गए, आपने नहीं चेक किया तो पिछला वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ए जो आपके पास है, अब इसको ऐड करने का तरीका देखो बेटे, हमारे पास दो मेथड है, मैंने आपको पहले बताया, एक मेथड आपका ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होता है, या तो आपके पास है ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर आप पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन यूज करके उस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन हमने यहाँ पे अब दूसरा मेथड सीखना है, वो मेथड तो हमें आता है, हमें दूसरा मेथड सीखना है कि हाउ टू ऐड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप ये आपके पास ए वेक्टर है, तो आपका एक्स कंपोनेंट चेक कर लो बेटे, ए एक्स किसका, ए का, तो कितना आपके पास ये ए कितना 100, ए कितना आपके पास 100, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा 100 और cos 45 डिग्री, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आपका डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एक्स, वेक्टर कंपोनेंट ए एक्स का कितना 100 cos 45 डिग्री आई कैप। सिमिलरली बच्चों आपके पास वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी एक्स, पहले हम एक्स कंपोनेंट के साथ बात करेंगे ना, इक्वल टू कितना गया 100 और कितना गया आपके पास cos 45 cos 135 डिग्री आई कैप, ठीक है। फिर आपके पास सी, तो सिमिलरली सी एक्स कितना है आपके पास, सी एक्स इक्वल 100 cos 315 आई कैप। तो बच्चों ये आपके पास है, तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि ये रिजल्टेंट आर एक्स, राइट, रिजल्टेंट आर एक्स किसके बराबर हो गया 100 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 cos 135 आई कैप प्लस 100 cos 315 आई कैप। तो बच्चों हमने यहाँ पे काम कर लिया कि वेक्टर कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, cos 45 कितना होगा 1/√2 आई कैप प्लस 100, अब cos 135 है बेटे, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता cos 90 प्लस 45 आई कैप, कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, cos 90 प्लस 45 कितना होगा 135 प्लस बच्चों 100, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं cos 360 माइनस 45 आई कैप। अब 360 माइनस 45 का मतलब क्या हुआ 315, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और आगे करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 100√2 आई कैप। अब ध्यान से देखो क्वाड्रेंट यूज करेंगे हम, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है cos 90 प्लस 45, ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री पे क्या होगा चेंज होगा, और cos क्या होगा आपका नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस 100 कितना है sin 45, sin 45 कितना √2 आई कैप प्लस ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों 360 माइनस 45 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos करता है पॉजिटिव होता है, और चेंज आपका नहीं होगा तो cos 45 कितना होगा आपके पास √2 आई कैप। तो बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास
हमारे पास क्या है बच्चों, आर एक्स कितना है बच्चों, आर एक्स आपके पास 100√2i कैप। बच्चों सिमिलरली हम जो बाई कंपोनेंट है, वेक्टर बाई कंपोनेंट है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत आसान है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। आर वाई इज इक्वल टू कितना बेटे ए, ठीक है, बाई कंपोनेंट कितना होगा इसका, ए का मतलब क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड 100 sin 45 degree, ठीक है। तो यदि आप समझते हो इसको, तो आप यहाँ पे जे कैप ले लोगे प्लस 100 sin कितना बच्चों 135 degree जे कैप प्लस 100 sin 315 जे कैप, ठीक है। यदि आपने एक्स एक्सिस के अलावा कॉस ले रखा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस ले रखा है, तो आपको पता है वाई कंपोनेंट के अलावा क्या आता है, साइन आता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन लिख लोगे आप, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 100 sin 45 कितना 1√2 जे कैप प्लस ये बच्चों किस क्वाड्रेंट में पड़ गया, यहाँ पे देखो ना साइन 135 है, तो उसको हमें किसमें तोड़ना तोड़ेंगे, तो चलो तोड़ लेते हैं 100 sin 90 + 45, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो शुरू में, पहली बार कर रहे हो, जब आप थोड़ा सा अभ्यास कर लोगे तो आपको भी आसानी से आ जाएगा ये sin 360 - 45। और बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन जे कैप, ठीक है, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया आपका ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, 100√2 j कैप। और ये कितना आएगा बच्चों आपके पास प्लस 100 sin 90 + 45 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन में चेंज होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ गया ये 100 और 45 कितना आएगा √2 j कैप पॉजिटिव आएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, और चेंज नहीं होगा, तो साइन 45 कितना आएगा √2 j कैप। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया आर वाई 100√2 j कैप ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है। तो आर एक्स हमने निकाला है कितना आपके पास 100√2 i कैप प्लस आर वाई कितना 100√2 j कैप। तो बच्चों इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका स्क्वायर 100√2 का स्क्वायर प्लस 100√2 का स्क्वायर। आप थोड़ा रिकॉल कर लो बेटे, ए को क्या लिखते थे हम, ए मैग्नीट्यूड में क्या लिखते थे इसको हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ये 2 × 100√2 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया √2, राइट, यहाँ पे रूट रहेगा, ठीक है, √2 अलग लिख लो ये, तो हमारे पास √2 × कितना है आपके पास ये 100√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ गया 100 यूनिट, ठीक है। तो यदि आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहो तो टेंजेंट बीटा को आप आर वाई वाई आर एक्स वैल्यू लिख के आप डायरेक्शन को, साइन को भी, टेंजेंट बीटा को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों ये एससी वर्मा की थर्ड प्रॉब्लम आपके पास, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके बेसिक्स को क्लियर करती हैं, ये अपने दिमाग में आप बिठा के चलिए। तो इस प्रॉब्लम को हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि ए वेक्टर दे रहा है 4i कैप + 3j कैप और बी वेक्टर है 3i कैप + 4j कैप। सो वट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अभी हमें सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा ये 16 + 9 कितना आ गया बच्चों आपके पास ये 25 और कितना आ 5 यूनिट, राइट। पहला पार्ट सॉल्व, दूसरे पार्ट में ये बोल रहा है बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे इसके कंपोनेंट का स्क्वायर 3² + इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट। एक्चुअल में बच्चों ये पता चलता है आपके पास bx i कैप + by j कैप, तो आप बोल सकते हो 4 का स्क्वायर, तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 5 यूनिट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट आपके पास है a + b, राइट। तो बच्चों ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से 4i कैप + 3j कैप और इसके साथ इसको प्लस कर रहे हैं बी को, बी कितना है 3i कैप + 4j कैप। यहाँ पे जब हम एडिशन करेंगे तो लाइक कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट कैन बी एडेड, राइट, ऑनली लाइक कंपोनेंट, ये दिमाग में आपने रखना है।
तो हमारे पास क्या है लाइक कंपोनेंट, फोर आई कैप थ्री जे कैप, तो फोर प्लस थ्री आई कैप प्लस थ्री प्लस फोर जे कैप, तो बच्चों कितना हुआ ये सेवन आई कैप प्लस सेवन जे कैप, और यहाँ पे आपके पास 49 प्लस 49 कितना हुआ आपके पास 98 रूट के अंदर। तो ये a प्लस बी किस फॉर्म में आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया a माइनस बी, तो a माइनस बी को भी हम बच्चों ऐसे ही करेंगे, a माइनस बी को भी हम ऐसे ही करेंगे, तो a माइनस बी लिख लेंगे बच्चों हम, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हमने इसको पहले, इसको अपन अब जस्ट यहाँ पे क्या कर दोगे आप, पहले लिख लो चलो थ्री जे कैप, बीच में माइनस आ गया बेटे, ठीक है, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप, लाइक कंपोनेंट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप राइट, प्लस थ्री जे कैप माइनस माइनस यहाँ पे प्लस था बच्चों, माइनस आ गया आपके पास फोर जे कैप, तो हमारे पास क्या आ गया ये 4i cap minus 3i cap कितना आपके पास i cap राइट, प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस j cap, तो हमारे पास कितना होगा ये इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारे पास आ गया रूट 2, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट कर दी हैं, आगे भी कंटिन्यू हम करते रहेंगे।